सांसद ने प्रस्ताव रखा है उनको करते हुए प्रस्ताव शोक प्रस्ताव संख्या एक ये सदन भूतपूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के 18 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जुलाई 1939 को हुआ। ये वर्ष 82 तथा 91 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 82 से 87 के दौरान राज्य मंत्री तथा वर्ष 91 से 96 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, भाषा, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, संसदीय मामले, खेल और पशुपालन एवं डेयरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी राजनीति एवं धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 2, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री वेदपाल के 16 जनवरी 2023 के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जून 1939 को हुआ। वर्ष 82 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 24 जून 82 से 23 जून 87 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 96 से 99 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन भी थे रहे। मधुभाषी व मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 3, यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री धमवीर गाबा के 10 फरवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 मई 1932 में हुआ। 82, 91, 96 तथा 2005 में 4 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 91 से 96 के दौरान अन्य राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्य करते थे और मेरे को भी मौका मिला उनके साथ सदन का सदस्य रहने का। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 4, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान साय रावत के 12 जनवरी 2023 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 20 अप्रैल 1947 को हुआ। वे वर्ष 87 तथा 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 88 से 90 के दौरान हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे और मेरे को भी मौका मिला तो इस सदन में उनके साथ सदस्य रहने का। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव 5, चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल के 4 फरवरी 2023 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 मार्च 1941 को हुआ। वे वर्ष 82 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। 77 से 89 के दौरान हरियाणा डेयरी विकास निगम के चेयरमैन रहे। मेरे वो सहपाठी भी रहे, मेरे को इस बात का अधिक बहुत दुख है। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन जिला फरीदाबाद के गांव मचकर के स्वतंत्रता सेनानी श्री जगराम के 24 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक
वेदना प्रकट करता है। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा में एक अद्भुत साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार महेंद्र कुमार, गांव पायगा, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार जोगिंदर सिंह, गांव सुनारियां, खुर्द, जिला रोहतक, हवलदार अशोक कुमार, गांव कोटिया, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार नरेंद्र सिंह, गांव शहादत नगर, जिला रेवाड़ी, जेसीओ प्रमोद कुमार, गांव भादरगढ़, जिला जींद, नायक राज सिंह, गांव सासरौली, जिला झज्जर, नायक संदीप यादव, गांव जीतपुरा, जिला हिसार, नायक अरुण कुमार, गांव ककरौला, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही बेनू सिंह, गांव अमरपुरा, जिला महेंद्रगढ़,